चुनावी सरगर्मी के चलते सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। प्रत्याशी मैदान में हैं और जीत के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में बाद 12 के निर्दलीय पद प्रत्याशी उपलेश सिंह भी जोर शोर से चुनावी माहौल में हैं। इसके चलते कार्यालय पर बैठक चल रही है एवं गली गली जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरा इलाका इनके पोस्टरों बैनरों से अटा पड़ा है। उपलेश सिंह जी की माने तो जनता सिर्फ अपना विकास चाहती है, जिस पर जनता को भरोसा होगा वही जीतेगा। वहीं उनका कहना है कि वह हर तरह से क्षेत्र की सेवा करना चाहती हैं, तो दूसरी ओर वह अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती। पब्लिक टीवी की टीम अब पहुंच चुकी है वार्ड 12 गोविंद नगर में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी उपलेश सिंह ने अपनी दावेदारी निभाई है और क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है। लेकिन देखना यह होगा कि क्षेत्र की जनता 29 तारीख में कितना भरोसा जताती है। लेकिन उससे पहले किन मुद्दों को लेकर आखिरकार चुनाव मैदान में हमारी प्रत्याशी उतरी है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या रणनीति कुछ खास तैयार की है और किस तरह से अपने सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर साबित करने की रणनीति में है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां की गई हैं, आप चुनाव मैदान में क्यों? जी, तैयारी मेरी पूरी है, पब्लिक मेरे साथ है और सबका सहयोग मेरे साथ है। और जो अब तक पार्षद है उनसे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब तक उन्होंने किसी का काम कोई करके ही नहीं दिया, इसलिए जनता भी बहुत जो है उनसे नाखुश है, मेरे साथ है। अब बाकी जो है 29 तारीख में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, आखिरकार क्यों आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्षेत्र आपके अगर देखा जाए तो विपक्ष, मैंने पब्लिक की परेशानी देखते हुए और सबकी बात सुनते हुए, और पब्लिक ने ही मुझे साथ दिया, पब्लिक ने ही मुझे खड़ा करा, पब्लिक ही मुझे जिताएगी। किस तरह की समस्याएं हैं अभी आपके क्षेत्र में? समस्या तो कार्ड को लेके जो भी मतलब सरकारी मतलब कोई भी स्कीम निकलती है तो उससे जब जनता को फायदा पहुंचेगा तभी तो जनता उसे जो है खुश रहेगी। अब वो जनता तक स्कीम पहुंची नहीं रही है, इधर उधर वाले जो है उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेचारे चक्कर काट रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आपके द्वारा के अभी अगर देखें बात करें तो कितना परिवर्तन अभी होना चाहिए और कितने परिवर्तनों की आवश्यकता है, मतलब कितनी जरूरत है अभी और क्या परिवर्तन होने चाहिए? परिवर्तन तो देखो, ये जो पुल है ये भी बनना चाहिए और कार्ड की जो है वो मतलब 50% कार्ड लोगों पर है, बाकी नहीं है कार्ड। कार्डों की समस्या बहुत जो है आम आदमी को सता रही है। अच्छा, आप आखिरकार चुनाव मैदान में क्यों हैं, कोई खास वजह रही? मुझे पब्लिक ने सपोर्ट करा, पब्लिक ने ही खड़ा करा है और जो है इसी बात को देखते हुए, पब्लिक की सपोर्ट को देखते हुए मैंने जो है खड़ी हुई हूँ। क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीदें रहेंगी आपको? क्षेत्र की जनता से पूरी उम्मीद है मुझे और सब मेरे सहयोग में है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? जी, अपील क्या करना चाहेंगे, क्या उनसे क्या दरख्वास्त करें? मैं सभी से ये दरख्वास्त कराऊंगी मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी मतों से जिताएं और आगे की जो है जो मेरे करने का काम होगा वो मैं पूरी मतलब पूरी अपनी इच्छा अनुसार करूंगी। तो ये थी हमारी हमारे साथ में हमारी प्रत्याशी। लेकिन इसके बाद में हम आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता आखिरकार क्या चाहती है, क्षेत्र की जनता कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेगी और क्षेत्र की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? जो है बढ़िया है, ठीक है। कैसे प्रत्याशी को आप वोट देना पसंद करेंगे? अरे जो अच्छे कार्य करे, सबको सपोर्ट करे, सबको सब काम में आए उसके लिए सही है। क्या उम्मीदें रहती हैं एक पार्षद से अगर क्षेत्र की जनता की बात करें? बहुत अच्छी। उम्मीदें क्या रहेंगी, मतलब क्या किस तरीके की चेंजेस चाहते हैं आप? यहाँ पे जनता मतलब एक को नहीं चाहती, मतलब जैसे कि अब हमारे यहाँ के पार्षद हैं गगन शर्मा, तो ये नहीं चाहती कि एक ही रहे। हम चाहते हैं कि अपना चेंज होता रहे। इन्होंने ऐसा कुछ विकास नहीं किया इस सड़क के बारे में, जो कि यहाँ की जो सड़कें हैं मट्टी है, धूल है, ये सब यहाँ पे कोई सड़कें कोई खास मतलब वो नहीं करा है, निर्माण नहीं हुआ है। क्या कहें कि जनता त्रस्त? मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि मतलब उपलेश सिंह को जिताएं गुलाब के फूल पर वोट देकर। क्या क्या कहना चाहेंगे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितने परिवर्तन अभी ज़रूरी हैं? परिवर्तन तो काफ़ी ज़रूरी हैं। दो बार से एक आदमी विजयी हो रहा है, किसी कारण कर रहा था मगर कोई फ़ायदा नहीं मिला किसी को, जनता को भी। आदमी जाता है वापसी आ जाता है, जाता है चक्कर लगाते रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या उम्मीदें रहती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की जनता के आप नुमाइंदे हैं और कैसा प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? अच्छा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे जिससे कार्य होना चाहिए, सड़कें बनने चाहिए
राशन कार्ड के लिए सब परेशान हैं, बन नहीं रहे, चक्कर काटते रहते हैं, बनते नहीं हैं, परेशान है सब जनता। क्या ख्वाहिशें रहती हैं एक पार्षद से? क्या उम्मीदें रहती हैं एक पार्षद से? उम्मीदें तो सारी जनता के लिए होती है। जनता क्या चाहती है एक पार्षद से? क्या क्या पार्षद ये फायदा चाहती है? राशन कार्ड है, पोल कार्ड है, बहुत सी समस्या है, सारी समस्या को हल करने वाला ही। अब तक कितने काम हुए हैं? अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है, आप ये देख सकते हो ये नाला कैसा पड़ा है, ये भी ऐसे पड़ा रहता है, बिल्कुल गंदगी कर रखी है गोविंदनगर में। दो बार जीत चुके हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं है इस मोहल्ले में। तो देखा आपने कि क्षेत्र की जनता पूरा मन बना चुकी है, इस बार अपना पार्षद चेंज करने के मूड में है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 29 तारीख में ये भरोसा कितना सफल बैठता है और आगे आने वाले वक्त में किसके सर पर ताज सजेगा, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखना यह होगा कि जिस तरह से जनता यहाँ पर खड़ी है और जिस तरीके का भरोसा जनता ने उपलेश जी पर जताया है, वो तो अभी 29 तारीख के बाद ही कन्फर्म होगा कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।